तो दोस्तों, क्या आप भी पिक्सल लैब एप्लीकेशन यूज करते हैं? जैसा कि आप यहाँ पे मेरे सामने देख रहे हैं, हम अपने मोबाइल में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को रखे हुए हैं। अगर आप भी पिक्सल लैब एप्लीकेशन यूज करते होंगे तो इसमें आपको एक दिक्कत आती होगी। जैसे आप इसमें कोई भी फॉन्ट ऐड करना चाहते होंगे तो वो फॉन्ट ऐड नहीं हो पा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फॉन्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो फॉन्ट का यहाँ पे जो पहले से दिया हुआ रहता है वो सब यहाँ पे है, लेकिन हम अपना अगर फॉन्ट या माई फॉन्ट पे जाके कुछ ऐड करना चाहते हैं इस जगह से जाके या यहाँ से, तो ऐड नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर जाता हूँ इस फाइल पे, तो आप यह देख सकते हैं फाइल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम फॉन्ट करके एक ये बनाया हुआ फाइल, तो सिंपली यहाँ से हम फॉन्ट कोई भी फॉन्ट ये देख सकते हैं फैकन का, ये अगर ये करते हैं तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऐड डायरेक्टरी अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये मेरे सामने जो आ रहा है कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं इस तरह का ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है। यहाँ पे लिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नो डिलीटेबल फॉन्ट फाउंड टू ऐड योर कस्टम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें ऐड नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या, आपके पास जो पहले से पिक्सल लैब एप्लीकेशन है उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है, इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया है। तो अब इंस्टॉल कैसे करेंगे आप, इसके लिए सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना होगा, और क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सर्च आइकन में सर्च करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको सर्च करना होगा अप टू डाउन, अप टू डाउन। तो ये देख सकते हैं मेरे सामने ये अप टू डाउन करके आ गया, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये फर्स्ट वाला साइड जो ओपन होके आया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ सर्च का जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको पिक्सल लैब, ये देख सकते हैं पिक्सल लैब करके आपको यहाँ से ये करना है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन दिया गया है जो कि अप्रैल 18, 2023 का है, लेकिन आपको ओल्डर वर्जन पर जाना है, ये देख सकते हैं ओल्डर वर्जन, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद इसका पूरा आ जाएगा कितना बार ये अपडेट हुआ है, कितना वर्जन इसका आया है, यहाँ पे टोटल आ गया है आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से। तो आपको इसमें कौन सा अपलोड कौन सा डाउनलोड करना है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ से करना क्या है, ये देख सकते हैं 1.9.8 का जो आपके सामने ये आ रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है, और इसे मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम डाउनलोड पे जाते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पिक्सल लैब को हम डाउनलोड करके रखे हैं, तो इंस्टॉल यहाँ से कर लेते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद इसमें आप फॉन्ट को ऐड कर पाएंगे, वो भी आपके सामने मैं करके दिखाऊँगा। तो थोड़ा देर रुक जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा इंस्टॉल हो गया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं पिक्सल लैब मेरे सामने मेरे मोबाइल में आ गया है, तो सिंपली यहां से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहां से आपको एलो कर देना है, इसको परमिशन दे देना है, और आपको यहां से फॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ये देख सकते हैं फॉन्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, सिंपली इस पर चले जाना है। और फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ सिंपली उसी तरह से दिया गया है पहले जैसा ही, लेकिन इसमें आप फॉन्ट को ऐड कर सकेंगे। माई फॉन्ट पे जाएंगे, उसके बाद प्लस वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास फॉन्ट जो दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फैकॉन का हम ये करते तो इस तरह से ओपन हो गया। ऐड डायरेक्टरी अगर करते तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया है। तो आप जोन सभी अगर चाहेंगे तो वो इसको आप यहाँ से ऐड कर सकेंगे, ये देख सकते हैं जितना बार भी हम ऐड करना चाहें उतना बार हम ऐड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने, और एक कर लेता हूँ प्लाजा फॉन्ट। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में अपने पिक्सल लैब पे कोई भी फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।